रेल हादसों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक एक्सीडेंट होता नहीं कि तब तक दूसरे की खबर भी सामने आ जाती है। इस बार खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां देहरादून से कोटा आते समय नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भरतपुर व सेवर स्टेशन के बीच अचानक दो हिस्सों में बट गई। घटना से रेल यात्रियों के मन में हड़कंप मच गया। ये झटका इतना तेज था कि ट्रेन वहीं रुक पड़ी। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के दो हिस्से अलग होने से पिछले हिस्से में लाइट और एयर कंडीशनिंग भी अचानक बंद हो गई और ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। जब काफी देर तक ट्रेन नहीं चली तो नीचे उतर कर देखा गया, ट्रेन के कुछ डिब्बे ही ट्रैक पर खड़े थे। इंजन और अगला हिस्सा तेज झटके के कारण आगे जा चुका था। नंदा देवी एक्सप्रेस से कोटा आ रहे पार्षद अनिल सुवालका ने बताया कि वो दादी के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे। लौटते समय भरतपुर के निकट ट्रेन तेज झटके के साथ धीरे धीरे रुक गई। गनीमत रही कि ट्रेन धीमी रफ्तार में थी, ऐसे में पटरी से ट्रेन नीचे नहीं उतरी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। एक्सप्रेस ट्रेन के दो हिस्सों में बटने की सूचना लगने पर रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने निर्देश पर इंजन समेत अलग हुए हिस्से को वापस पीछे लिया और कटे हुए हिस्से से जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। इस वजह से ट्रेन करीब पौन घंटा लेट हो गई। इसके चलते रेल मार्ग पर कुछ ट्रेनों को रोककर अलग ट्रैक से निकाला गया। इससे कुछ मालगाड़ियां व यात्री गाड़ियां लेट हो गई। आपको बता दें, 24 घंटे में ये पहला हादसा नहीं। इससे पहले मध्य प्रदेश के इटारसी स्टेशन पर सोमवार शाम को पैसेंजर ट्रेन के दो डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने ही वाली थी, इसी दौरान उसके थर्ड एसी के दो डिब्बे पटरी से उतर पड़े। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 5 किलोमीटर से भी कम थी, यही वजह है कि बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन बेपटरी कैसे हुई, इसकी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इटारसी स्टेशन पर शाम 6:10 पर हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई है। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन पर रानी कमलापति से सहरसा जाने वाली स्पेशल ट्रेन 01663 के दो कोच पटरी से उतर गए, मगर गनीमत रही कि किसी यात्री को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी पटरी हो गई। जानकारी के अनुसार कृष्णशिला रेलवे स्टेशन के बासी में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि मिट्टी धंसने की वजह से पटरी दबने से मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए। खबरों की माने तो शनिवार की सुबह करीब 11 बजे शक्तिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NCL खड़िया परियोजना से अनपरा पावर प्लांट के लिए कोयला लेकर ये मालगाड़ी जा रही थी। हाल फिलहाल की घटनाओं पर नजर डालें तो देश भर में रेल हादसों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 10 सालों में भारत में करीब 638 रेल हादसे हुए हैं, जिसमें करीब 781 लोगों की मौत हो गई है और करीब 1543 लोगों के अंग भंग हुए। यह हादसा रेलवे को मिलने वाले बजट पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। रेलवे पर औसतन 17,800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कवच सिस्टम भी अब तक सिर्फ 2% रेलवे रूट्स पर ही इंस्टॉल हो पाया है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये रेल हादसे होते रहेंगे और इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा।